हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीलांचल क्लासेस में। और प्रीवियस क्लास में हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और लाइट के जितने भी हमारे छोटे बड़े क्वेश्चन थे, मतलब और जितने भी मतलब फिनोमिना थे मतलब प्रकाश के, वो सारी बात हमने आपको बताई। ठीक है, तो एक लाइट वाले चैप्टर में दूसरा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में क्या टॉपिक बनेगा कि प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, यानी कि मैन इवेंट्स ऑफ लाइट, मैन इवेंट्स ऑफ लाइट। क्या कह सकते हैं? प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं यानी मैन इवेंट्स ऑफ लाइट। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं डेली लाइफ में देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे सिंपली बात करें, हमने कई बार पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसे क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सेकंड, इसी में हम दूसरी फिनोमेना पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा फिनोमेना हमारा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसमें चौथी इवेंट्स हमारी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कह सकते हैं स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, स्क्रैटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर पांचवा हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण जिसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटर फेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद सेवन जो फिनोमेना हमारी वो है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, हमारे ये सारी इवेंट्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं और इनके द्वारा हमारी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी घटनाएं प्रकाश के परावर्तन की दिखती हैं, कि जैसे हमारी आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना या वस्तु को देखना, उसके पीछे हमारे प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। या कह सकते हैं जितने भी हमारे मिरर्स होते हैं, मिरर्स मतलब जितने भी दर्पण होते हैं, दर्पण कि दर्पण की जो कार्य प्रणाली होती है या दर्पण की जो फंक्शनिंग होती है वो किस पर आधारित होती है, हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन पे होती है। ठीक है, तो सिंपली दर्पण की बात करेंगे आगे हम। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता है कि दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण, क्या बोलते हैं इसको, एक तो होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक बना हुआ क्या बना हुआ है, प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, यानी कौन कौन सी घटनाएं या कौन कौन सी इवेंट्स हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है या उनकी वजह से हमारी कौन कौन सी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटती है। तो हमारी कितनी घटनाएं थी? सेवन घटनाएं या सेवन फिनोमिना थी। पहला क्या था? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाशिक बिंदुओं का किसी अवरोध से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। बता रहे थे कि किसी वस्तु की हमारी आंखों में इमेज बनना या किसी वस्तु को हमारी आंखों द्वारा देखना कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है।
दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का टकरा के आर पार निकल जाना, मतलब ठीक है। तो इस पे जितने भी हमारे लेंस होते हैं, लेंस किस पे काम करते हैं हमारे, प्रकाश के अपवर्तन पे काम करते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं कि रेगिस्तान में मृच्छिका का बनना या फॉर्मेशन ऑफ मिरास इज डिपेंड ऑन विच फिनोमिना ऑफ द लाइट, क्या बनेगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हीरे का चमकना, ठीक है, या कांच में आई हुई दरार का बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देना, या ऑप्टिकल फाइबर्स का इतना ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ना, प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद चौथी फिनोमिना क्या है हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसके बोलते हैं स्क्रैटिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना यानी प्रकाश जब ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण होते हैं और कुछ गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, तो प्रकाश इनके द्वारा होता क्या है कि सभी दिशाओं में क्या होता है, वितरित हो जाता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, बिखर जाता है। तो प्रकाश के बिखरना या प्रकाश का स्प्रेड होना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि सूर्य का सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या आसमान का नीला कलर प्रतीत होना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पढ़ेंगे आगे, चलो आगे पढ़ेंगे प्रकाश का वर्णविक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो क्या होता है कि प्रकाश का 7 कलर्स में डिवाइड होना या प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहलाता है। और ये दिखता कब है हमें, जब प्रकाश को हम किसी प्रिज्म या कांच से ऊपर उजाड़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश, कौन सा प्रकाश, श्वेत लाइट या व्हाइट लाइट हमारे प्रिज्म में पड़ता है, तो पड़ने के बाद क्या होता है कि वो 7 कलर्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, या क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब यही होता है कि डिवीजन होना या डिवाइड होना, कितने कलर में, 7 कलर्स में, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रकाश की किरणों का या श्वेत लाइट का 7 रंगों में विभक्त होना या 7 कलर में डिवाइड होना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, या इंद्रधनुष में जो हमारे 7 कलर्स प्रतीत होते हैं या 7 कलर्स जो हमारे विजिबल होते हैं वो प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश के वर्णविक्षेपण के कारण। पूरा फिनोमेना पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, चलो। उसके बाद 6 हमारी जो फिनोमेना वो क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कई बार क्वेश्चन आता है कि साबुन के बुलबुले का कलरफुल दिखना या पानी की सतह पर तेल की बूंदों का कलरफुल दिखाई देना, प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। उसके बाद हमारी 7वीं जो फिनोमेना है वो क्या है, प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या है कि प्रकाश के जितने भी हमारे प्रकाशिक वस्तु होते हैं उनकी दिशाओं को एक ही, मतलब कह सकते हैं एक ही पॉइंट पर मिला देना, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। बाकी इसका यूज करते हैं हम किस में करते हैं, चश्मा बनाने में, ठीक है, जो हमारे चश्मे होते हैं या हेलमेट आजकल जो आ रहे हैं हमारे वो किस में आते हैं, पोलराइज आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। यानी कि प्रकाशित वस्तुओं को एक ही दिशा में क्या कर देना, मोड़ कर देना, ठीक है, या मोड़ देना या बैंड कर देना, क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। और बाकी हम इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी ये कितनी घटनाएं थी, कितनी इवेंट्स थी, 7 इवेंट्स थी, जिसमें हमारा क्या था, पहला प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों का किसी कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस लौटाना। दूसरा क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या था कि प्रकाश का किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर, ठीक है, या पारदर्शी मीडियम से टकराकर आर पार निकल जाना क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस पर भी हमारी बहुत सारी घटनाएं डेली लाइफ में घटित होती हैं, बहुत सारी घटनाएं क्या होती हैं, ऑक्योर होती हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण, तो क्वेश्चन आता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या कह सकते हैं कि सूर्य का सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, जब सूर्य हमारा उदय होता है उससे 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, वो भी किस घटना के कारण, इसी घटना के कारण, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से हमारे कि पानी में डूबे हुए सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में डूबी हुई क्षण का या किसी परख नली का टेढ़ा दिखाई देना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे बहुत सारे, मतलब डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, फिनोमेना बनते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो सभी इन्हीं घटनाओं पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इनको हम बारी बारी से 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो हमारी इवेंट है वो कौन सी है, प्रकाश का परावर्तन, या कह सकते हैं प्रकाश का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट होता है कि प्रकाश की किरणों का किसी अवरोध से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखें कि प्रकाश के परावर्तन के लिए, ठीक है, तो मैंने पहला आपका जो घटना थी, पहली जो हमारी फिनोमेना थी वो क्या थी, प्रकाश का परावर्तन, ये लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, इसे बोलते हैं हम
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको बता दूं कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो हमारा जो मीडियम है ना, मीडियम कहते हैं माध्यम, ठीक है, मीडियम, ठीक है, तो मीडियम का हमेशा अपारदर्शी, अपारदर्शी होना क्या है, आवश्यक है, अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी मतलब ओपेक, यू ओ पी ए क्यू, यू माध्यम का हमेशा अपारदर्शी होना आवश्यक है, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब क्या है कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आर पार न जाए, ठीक है, प्रकाश की किरण आर पार न जाए, तो उस माध्यम को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम या ओपेक, ठीक है। और दूसरा माध्यम होता है हमारा पारदर्शी, पारदर्शी, तो पारदर्शी माध्यम कौन सा होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरण क्या हो, आर पार निकल जाए, यानी माध्यम या ऐसा मीडियम जिस जिनसे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए, निकल जाए, तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं, उस मीडियम को क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम या ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यदि हमारी घटना परावर्तन की है, ठीक है, तो इस घटना के लिए कंपलसरी क्या है कि प्रकाश जो हमारा मीडियम है या हमारा माध्यम है उसका अपारदर्शी या ओपेक होना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखो परिभाषा तो कभी नहीं पूछता, बताने क्यों पड़ती है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो तो क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो बोल सकते हैं प्रकाश का किसी अपारदर्शी, प्रकाश का किसी अपारदर्शी अपारदर्शी प्रकाश का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। चलो तो बात कर लेते हैं हम एक फिगर के माध्यम से कि कैसे कैसे होते हैं। चलो लेकिन मैंने इससे पहले आपको बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस पर आधारित होता है, जितने भी मिरर्स होते हैं हमारे, ठीक है, मिरर्स कह दो या कह दो आप दर्पण, भाई दर्पण की जो कार्य प्रणाली होती है या दर्पण की जो फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड होती है, हमारे प्रकाश के परावर्तन पे, परावर्तन पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी दर्पण हमारे प्रकाश की किस घटना पर आधारित होते हैं, तो किस पर होते हैं, परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो मिरर होते हैं हमारे एक ओर से क्या होते हैं, पेंटेड होते हैं, एक ओर से क्या होते हैं, लेपित होते हैं, ठीक है। तो जब हम मिरर्स को एक ओर से क्या कर दें, पेंट कर दें, तो हमारा माध्यम कैसा होगा, अपारदर्शी हो गया, भाई जैसे प्रकाश की किरण इस टाइप से आएंगी और टकरा के क्या हुआ, इनको आर पार जाना चाहिए था, तो आर पार क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दर्पण है ना वो क्या है, एक ओर से पेंटेड है, तो पेंट हुआ तो माध्यम कैसा हो गया हमारा, अपारदर्शी हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, अपारदर्शी या ओपेक हो गया। तो किरणें टकरा के आर पार नहीं जाएंगे, टकरा के क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट आएंगे, ठीक है। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है हमारा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। देखो कैसे, भाई हमने ये लिया एक दर्पण लिया, ठीक है, दर्पण मतलब मिरर लिया, मिरर ले लेते हैं कोई भी अपारदर्शी माध्यम भी, उसमें बोला गया है कि माध्यम क्या होना चाहिए, हमेशा अपारदर्शी होना चाहिए, मीडियम कैसा, अपारदर्शी। चलो तो हमने क्या लिया, एक दर्पण लिया, क्या लिया, मिरर लिया, मिरर, ये मिरर मान लो आप, क्योंकि मिरर जितने भी होते हैं क्या होते हैं, एक ओर से पेंटेड होते हैं। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट इस टाइप से आएगी, देखो इस टाइप से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है,
और टकरा के क्या होगा, इसको ऐसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि एक ओर से लेपित है, एक ओर से क्या है, मतलब एक ओर से हमने क्या पेंट कर रखा है इसको, ठीक है, तो टकरा के क्या होगा, वापस जाएगी उसी मीडियम में। देखो मीडियम सेम था, ये मीडियम और ये मीडियम अलग अलग है, लेकिन ऊपर का मीडियम सेम है ना, नीचे का अलग है, तो उसी मतलब मीडियम में आई और उसी मीडियम से क्या हुई, वापस हो गई हमारी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो यही फिनोमेना क्या कहलाया हमारा, प्रकाश का परावर्तन कहलाया। तो याद रखें जो किरण हमारी आ रही है, प्रकाशिक कह सकते हैं कि प्रकाशिक वस्तु से जो भी हमारी रेज आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। इसका नाम क्या आएगा, आपतित किरण, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। जो आती हुई किरण है उसका नाम क्या होता है, आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है उसका नाम क्या बनता है, परावर्तित, परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, यानी कि कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। चलो तो जहाँ भी हमारी किरण आपतित होकर होती है, मतलब जिस भी मतलब बिंदु पे आके, तो उसी बिंदु से हम क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं भाई, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस टाइप से नॉर्मल खींचा, ठीक है। तो याद रखें आपतित किरण ये क्या बना हुआ है, अभिलंब बना हुआ है, ये एक नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, नॉर्मल या अभिलंब, इसको हमने बनाया अभिलंब, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जिस बिंदु पे आके हमारी रे क्या आई थी, टकराई थी, उसी बिंदु पे मैं क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा, उसी पर क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा, ठीक है। तो याद रखें आपतित किरण का जो एंगल बनता है हमारे नॉर्मल के साथ, उसे हम आई बोलते हैं, तो आई फोर क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण, ठीक है। और जो परावर्तित किरण का एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, उसे बोलते हैं आर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ये मिरर था भाई, या कह सकते हैं इसको परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, जिस पे आके हमारी रे क्या होती है, टकराती है, मतलब उस सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। और जो किरण हमारे प्रकाशिक बिंदु से आ रही है या प्रकाशिक वस्तु से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट या आपतित किरण, और टकरा के वापस उसी माध्यम में चली गई, मतलब तो टकराने के जाने के बाद जो हमारी रे बनती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कुछ नियम भी बनते हैं प्रकाश के परावर्तन के, नियम क्या होता है, पहला जो नियम होता है, नियम कह दो या लॉ कह दो आप, नियम या लॉ, तो पहला लॉ क्या होता है, पहला क्वेश्चन लॉ ये होता है कि जो हमारा आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। भाई इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैंने बोला कि जो इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ जिस एंगल से आएगी ना, वही एंगल से क्या होगी, वापस जाएगी, मतलब जिस एंगल से हमारी रे ऑफ लाइट आती है वही एंगल से हमारी रे या कैसे रिफ्लेक्टेड रे जाती है, ठीक है। तो एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है हमारा, परावर्तन कोण होता है, ठीक है। सपोज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज करो कि जो हमारी आपतित किरण है वो नॉर्मल के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो बताओ कि हमारी परावर्तित किरण वही नॉर्मल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, तो एंगल आर भी कितना होगा हमारा, 30 अंश होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार हमारे बनते बनते हैं ऐसे। और इसी का हमारा सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, अब सेकंड लॉ प्रकाश के परावर्तन का जो सेकंड नियम होता है वो क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण वह अभिलंब, वह अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, और इसके साथ हमारा जो नॉर्मल अभिलंब, वो तीनों के हमारे एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। तो ये हमारा सेकंड नियम था, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौटाना, ठीक है। तो जो रे हमारी आती है प्रकाशिक वस्तु से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, इंसिडेंट मतलब आती हुई किरण, ठीक है। और जो टकरा के वापिस जाती है उसी माध्यम, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो याद रख सकते हैं हम कि जहाँ पे हमारे इंसिडेंट रे आके टकराती है वहीं से क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो कि 90 अंश का होता है, ठीक है। तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, उसका नाम क्या बनता है, आपतन कोण, ठीक है। और हमारा परावर्तित किरण से जो एंगल बनता है अभिलंब के साथ उसे क्या बोलते हैं, एंगल आर। तो इसमें होता है क्या कि नियम फर्स्ट कहलाता है कि जो एंगल आई है ना वही एंगल आर होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। चलो तो इसका सिंपली हम देख सकते हैं कि डेली लाइफ में यूज क्या है, प्रकाश के परावर्तन का डेली लाइफ में यूज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इस घटना का यूज कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी फिनोमेना है प्रकाश का परावर्तन, इसका यूज कह दो या इसका प्रयोग या उपयोग कह दो, कहाँ होता है, कह सकते हैं कि वस्तु का आंखों से देखना व आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है या प्रकाश के रिफ्लेक्शन पर क्या होता है, आधारित होता है। भाई किसी वस्तु को हम आंखों से देखते हैं या किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनता है, ठीक है, वो प्रकाश के किस घटना के कारण, परावर्तन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण। हम बोलते हैं ना कि वस्तु में कब दिखाई पड़ती है, तो दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है कि सपोज करो ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है, और एक ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रकाश है सूर्य का वो कहाँ होगा, आपतित होगा, क्या होगा, आपतित होगा वस्तु पे, और वस्तु पे आपतित होने के बाद हमारी आंखों में क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, आंखों में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो वस्तु में क्या हो जाएगी, विजिबल। तो कह सकते हैं वस्तुओं को देख पाना प्रकाश के किस घटना के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो पहले जो प्रकाशिक बिंदु से या प्रकाशिक वस्तु से जो प्रकाश पड़ता है, आपतित होता है हमारी वस्तु पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हमारी कहाँ होता है, आंखों पे होता है, तो हमें वस्तु क्या होती है, विजिबल होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वस्तु का रंग होता है, वस्तु का रंग का जो निर्धारण होता है वो किस पर डिपेंड होता है, प्रकाश के परावर्तन पर होता है, या कह सकते हैं कि वस्तु हमें जिस कलर की दिखाई देती है ना, वह वस्तु उसी कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। कह सकते हैं हम रंगों का निर्धारण, ठीक है, रंगों का निर्धारण कि वस्तु का जो कलर हमें डिफाइन होता है वो किसके वजह होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। सपोज करो मुझे वस्तु पीली दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु पीले कलर को क्या कर रही है, वस्तु पीले रंग को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। वस्तु जिस कलर को परावर्तित करती है ना, वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है, इसका मतलब यह है। यदि वस्तु मुझे काली दिखाई पड़ रही है, सॉरी काली नहीं, काली से पहले पढ़ेंगे रेड, ठीक है, यदि वस्तु मुझे लाल कलर की दिखाई पड़ रही है, रेड कलर की दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु रेड कलर को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। वस्तु लाल रंग को, लाल रंग को क्या करती है, परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती है, तभी वस्तु में क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वस्तु हमें सफेद कब दिखाई पड़ती है, तो वस्तु सफेद कब दिखाई पड़ेगी, जब वस्तु प्रकाश के, वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को, सभी रंगों को क्या करेगी, परावर्तित, रंगों को परावर्तित करती है, ठीक है। जब वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित करती है तो वस्तु में कैसे दिखाई देती है, सफेद। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु में काली या ब्लैक कब दिखाई देगी, बताओ ब्लैक कब दिखाई देगी भाई, ब्लैक कब दिखाई देगी, जब वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या करेगी, अवशोषित करेगी, अवशोषित कहते हैं एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है, कि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या करती है भाई, अवशोषित करती है, अवशोषित, अवशोषित करती है,
तो वस्तु कैसी प्रतीत होती है हमको, सफेद रंग की या व्हाइट कलर की, हाँ सॉरी, वस्तु कैसी प्रतीत होती है हमें, काले कलर की या ब्लैक कलर की। तो काले कलर की वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या करे, अवशोषित करे। सफेद कब दिखाई देगी, जब वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या करे, परावर्तित करे। और भाई रंग की बात रही, रेड कलर की कब दिखाई देगी, वस्तु रेड रंगों को क्या करेगी, परावर्तित करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। और पीली कब दिखाई देगी, कि जब वस्तु पीले रंग को प्रभावित करे। भाई अन्य जो भी कलर होते हैं सफेद या काली की अपेक्षा, या कह सकते हैं काली की अपेक्षा जितने भी कलर होते हैं, कब विजिबल होते हैं, कि जिस कलर को वो क्या करती है, वस्तु परावर्तित करती है या रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा फिनोमिना था। तो हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या था, प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हमने बात करी कि हमारे नियम कौन कौन से होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो पहला नियम क्या था, कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, एंगल आई बराबर क्या होता है, हमारा एंगल आर होता है। दूसरा नियम क्या था, कि जो हमारी आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, चलो। इसके बाद हमने पढ़ा कि रंगों का जो निर्धारण हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। चलो, तो इसके बाद हमारा यही बनेगा कि जितने भी क्या होते हैं, हमारे दर्पण होते हैं या मिरर होते हैं। ठीक है, दर्पण या मिरर, वो प्रकाश के किस घटना पर आधारित होते हैं भाई, किस घटना पर आधारित होते हैं, हमारे प्रकाश के परावर्तन पे होते हैं या प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होते हैं। ठीक है, चलो। तो बात करते हैं हम दर्पण की, क्योंकि दर्पण क्यों छड़ा, क्योंकि दर्पण का जो वर्क होता है ना, दर्पण का जो एप्लीकेशन होता है, वो प्रकाश की कौन सी फिनोमेना होती है, प्रकाश का परावर्तन ही होता है। ठीक है, तो दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के भाई, एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, कभी कभी इसका दूसरा नाम होता है सिंपल मिरर, इसको सिंपल भी बोलते हैं, साधारण, साधारण दर्पण, क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्लेन, सॉरी, सिंपल मिरर, सिंपल मिरर। ठीक है, और चलो जो सेकंड मिरर होता है उसको बोलते हैं हम गोलीय, हिंदी में गोलीय दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मतलब क्या हो गया, गोलीय दर्पण, जिसका जो आकार होता है कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है या गोला टाइप का होता है। भाई इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं हमारे भाई। एक होता है इसमें हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसे क्या बोलते हैं, कॉनवैक्स मिरर, कॉनवैक्स मिरर। ठीक है, और सेकेंड होता है इसमें हमारा अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो याद रखो जो हमारे उत्तल दर्पण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किरणों को फैलाने का काम करते हैं, जो हमारी रे आती हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, फैलाने का काम या डाइवर्स करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, किरणों को फैलाते हैं, किरणों को फैलाते हैं, तभी हम इसका दूसरा नाम देते हैं, इसी दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब क्या होता है, डाइवर्स मिरर, डाइवर्स मिरर, डाइवर्स मिरर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण होता है, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण ही होता है। भाई अपसारी नाम क्यों पड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारी रे आती है ना डिफरेंट डायरेक्शन से, उनको टकरा के क्या करता है, उनको विभिन्न दिशा में क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, उनको क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, तभी हमने इसको क्या बोला, अपसारी दर्पण या डाइवर्स मिरर या डाइवर्सिंग मिरर। जो अवतल दर्पण होता है ये क्या करता है, किरणों को एकत्र करता है, कलेक्ट करता है भी, एकत्र करता है, एकत्र करने की वजह से क्या बोलते हैं इसको हम, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, इसको बोलते हैं हम अभिसारी दर्पण, या हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको हम कन्वर्जिंग, डिफरेंट डायरेक्शन से जो हमारी वेव्स आती हैं, ठीक है, कौन सी वेव्स, लाइट वेव्स आती हैं, उनको क्या करता है, एक ही पॉइंट पे क्या करता है, मिलाता है, मतलब एक पॉइंट पे क्या करता है, एकत्र करता है, कन्वर्ट करता है, तभी हम इसका दूसरा नाम क्या देते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार हमारा बनता है कि जो हमारा उत्तर दर्पण होता है वो किरणों को क्या करता है, हमेशा
क्या करता है, फैलाता है या डाइवर्स करता है, तभी नाम क्या बना इसका, अपसारी बना है। अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक फोकस पे मिलाता है, ठीक है, तभी इसका नाम क्या बना है, अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। चलो, तो समतल दर्पण के दूसरा नाम भी होता है साधारण या सिंपल मिरर, या कभी कभी बोलते हैं इसको फेस मिरर। फेस मिरर जो घर में यूज करते हैं ना, मिरर सिंपली आईना के रूप में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है ना, समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन था अभी, ठीक है, किसका, दर्पण का। अभी हम दर्पण पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि इनका वर्क कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे मतलब ये किरणों को इकट्ठा करता है, कैसे किरणों को फैलाता है, इनके द्वारा इमेज कैसी बनती है, वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, वस्तु से बड़ी बनती है, वस्तु से छोटी बनती है, सारी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि दर्पण जो काम करते हैं ना हमारे, जो हमारे मिरर्स काम करते हैं, प्रकाश की किस घटना पर आधारित होते हैं, हमारे प्रकाश के परावर्तन पर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रकाश का परावर्तन रहा, और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण, ठीक है, कि दर्पण को डीपली पढ़ेंगे और सारा इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि जो हमारा समतल दर्पण होता है कैसी इमेज बनाता है, ठीक है, वस्तु से कितना दूर बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये प्रकाश का परावर्तन था, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसको एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।